जी हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इंटेग्रेशन दे लेक्चर नंबर 6 ते आ गए हैं। तो आप एक्सरसाइज जी कर रहे थे वो 7.3 कर रहे थे। ठीक है जी, तो 7.3 तो बाद फिर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ली, इतने तक थोड़े कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। फिर अगले लैक्चर के आप एक्सट्रा क्वेश्चन करेंगे जी थोड़े को NCERT तो इलावा। तो आप NCERT करते पे जी, काफ़ी क्वेश्चन आप कर ले सके थोड़े को। ठीक है, 13 हो गया से 14 हो गया सीखा। ठीक है जी, उस तो पहला जड़ा है, अगर आप CD फार्मूलिया की गल करिए, CD या AB की, तो की होंगे होंगे S प्लस S2 SC होंगे होंगे, S माइनस S2 CS होंगे होंगे, C प्लस C2 CC होंगी होंगी, C माइनस S2 SS स्टार होंगे होंगे। ये साढ़े को फार्मूले है तोड़े को, जिदा भी याद किए हैं। मीनस अगर S प्लस S का मतलब साइन C प्लस साइन D मनना मैं, तो 2 sin C + D/2 cos C - D/2 ये मेरा आंसर आना चाहिए है थोड़े को। सो 11 आप इदा किए, तो थोड़े चो किसी ने इदा ना किए हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं गी। इधरों इधर CD होंगे, तुम जिदा याद किए उदा अच्छा, इधरों इधर AB होंगे, तुम जिदा याद किए उदा अच्छा। ठीक है जी, अपन तो फार्मूले तक मतलब है, ये ना दो तीन क्वेश्चन उपर पे ने थोड़े को, जिमें क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे टाइप इको देने हैं। ये है थोड़े को sin 3x (cos 4x), तो अपना यदि इंटैग्रेशन करनी है, और इंटैग्रेशन के जे गुणा बन जाए तो जब तक गुणा का जोड़ नहीं बनता साढ़ा काम नहीं बनना है थोड़े को। ठीक है जी, तो फिर आप करते हैं थोड़े को, आप जोड़ा है ये अगे 2 लगा लें, कॉस वड्डा रख लो सौखा रहिंदा घटाने वेले, होर तो कुछ नहीं। ठीक है, सो ए तो ए बन गया 2 times CS, तो यदा मतलब S - S बनना चाहिए। सो 1/2 यदा आंसर आना चाहिए, sin A + B, ए कि A + B तो माइनस sin A - B। सो जे तुसी अगे कॉस रख साइन रख के कर लेंगे तो भी यही बनना सी, कोई फर्क तो पैना नहीं सी, फिर माइनस बाहर निकालना पैना सी, तो इंटैग्रेशन होगी। सो ये 1/2 हो गया, ये बन गया sin 7x। ठीक है जी, सो ये बन गया थोड़े को sin 7x, बन गया जी sin 7x। उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये माइनस की बन गया sin x, तो इसकी की औखी इंटैग्रेशन है, यदा मतलब बेसिक्स पता होने चाहिए। sin का इंटैग्रेशन cos 7x / 7, 1/2 आपने बाहर रखा होया है। ठीक है जी, तो उस तो बाद हैगा ये, वो तो बाद फिर जेड़ा माइनस है प्लस हो जूगा cos x, नीचे दे कुछ नहीं आना। सो अगर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलते हो तो इच्छा नहीं खोलते तो इच्छा प्लस ही पा देना। ठीक हो गया जी, सो ये जेड़ा क्वेश्चन हैगा थोड़े को, इस तरह के क्वेश्चन जेड़े हैं वो आप मतलब CD फार्मूलिया हैंडल करते हैं। NCERT का 2 क्वेश्चन से कई बार 2 बार भी लाना पै जाता है, उदा का भी क्वेश्चन हैगा। एक मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 3 है, उस 2 बार ही लाना पै जाना, 2 बार ही किदा लाना पै जाना है थोड़े को। क्वेश्चन हैगा ये cos 2x, इस तो बाद cos 4x, इस तो बाद cos 6x, तो ये वाला जोड़ा हैगा ये थोड़े को। सो ये वाली चीज़ है थोड़े को cos 2x, cos 4x, cos 6x। ठीक है, तो पहला मैं इन 1/2 कर दवा थोड़े को, 2 cos बड़ा अगे रख लेना, 4x ला लेना, बाद चू cos 2x मैं कर दूंगा, फर्क तो कोई पैना नहीं, आंसर तो आ ही जाना। 2 times जोड़ा है कॉस तो कॉस आ गया, जे शुरू तुम देखो तो 2 CC + C लिखा सी, तो यदा मतलब ये बन जाना cos 6 + 4, cos 10x हो जाना है। ठीक है जी, फिर प्लस बन जाना है तो cos 2x हो जाना है। ठीक है, ए वाली चीज़ा नाल मल्टीप्लाई कौन होना cos 2x, तो इंटैग्रेशन भी होनी है नाल dx भी होना। ठीक है जी, फार्मूला की लगाया आ लगे ना थोड़े को, C + C 2 जोड़ा है CC, तो जो 2 CC हैगा 2 CC cos A + B + cos A - B, cos A + B, A + B 6 × 10, A - B 13, आराम ना हो गया। हूँ आपने मल्टीप्लाई कर देना, जो आपने मल्टीप्लाई किया ये आ गया cos 10x नाल cos 2x आ गया, फिर 1/2 आ गया, इतने आ गया cos² 2x dx। सो ये थोड़ा बन गया, इतने 1/2 की बजाय 1/4 कर लो, ये 2 ना उपर गुणा कर लो, सो ये cos 10x हो गया, तो ये cos 2x हो गया, इतने इतने cos² 2x ही रहन लो, क्योंकि यदा फार्मूला अपन आता हैगा थोड़े को। ठीक हो गया जी, सो आ वाली चीज़ होगी थोड़े को, तो अगर आ वाली चीज़ होगी थोड़े को, तो इस तो बाद आपने क्या करना है। ठीक है,
इस तो बाद जो है थोड़े को इस फिर फार्मूला लगेगा तो फिर फार्मूला लगेगा थोड़े को यह बन जूगा इंटैग्रेशन के अंदर ही। फिर कॉस जोड़ पै जाना है तो यह बन जाना कॉस 12x, तो फिर डिफरेंस पै जाना तो इन्हें बन जाना कॉस 8x, ठीक है जी, प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 2x। कॉस स्क्वायर 2x है जिहड़ा तुहाडे कोल इहदा जिहड़ा आंसर हुंदा हैगा तुहाडे कोल ओह हुंदा है, एक मिनट जरा, ठीक है, सो थोड़ा कैमरा ठीक कर। तो कॉस्ट जिहड़ा हैगा 12x प्लस 8 हो गया, हाँ जी, कॉस स्क्वायर 2x ते तुहानूं याद होगा तुहाडे कोल 2 कॉस स्क्वायर एक्स जिहड़ा हुंदा 1 प्लस कॉस 2x हुंदा है। तो जे आप लीए कॉस स्क्वायर एक्स वह होंगे 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, हूँ इतने 2 लेना तो इतने 4 आजगा, सो 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 आजगा, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी थोड़े को, सो अगर ये चीज़ होगी थोड़े को बस हूँ अपने सिर्फ यदि इंटैग्रेशन करनी है, और वो इंटैग्रेशन की होंगी आप देखिए जी। तो अपने को सिचुएशन की आ गई सी जी, 1/4 आ गया, अगे इंटैग्रेशन आ गई, तो इतने आ गया कॉस 12x प्लस इतने कॉस 8x, ठीक है जी। सो ये 1/2 आ गया थोड़े को, ठीक है, सो जिहड़ा इतने कॉस 4x आ गया, तो ये तो मैं वही सारा रिपीट कर लिया। हूँ मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ जी, 1/4 कॉस का की हो गया साइन 12x, नीचे की आ गया 12, साइन 8x नीचे की आ गया 8, 1/2, 1/2 का भी ये भी 1/4 ही हो जाना, कल्ले x का इंटेग्रेशन, ठीक है। कॉस का क्या आया साइन 4x, नीचे 4 हो गया, प्लस सी हो गया। तो ये साडा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आंसर आ गया जी तुहाडे कोल, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करके देखना है तो तुहाडी इच्छा हैगी है तुहाडे कोल, जे मल्टीप्लाई नहीं करके देखना हैगा तां वी तुहाडी इच्छा है, कोई बहुता रोले वाली गलबात है नहीं तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो जिहड़ा हैगा ये एक मिनट इस क्वेश्चन दे विच मिनट माड़ा जहा चेक कर लियो जी, कोई आंसर वाली दिक्कत तो नहीं हैगी तुहाडे कोल, क्योंकि इत्थे 4x दे रहा बुक वाला आंसर। हाँ जी, सब तो पहला मैं स्टेटमेंट मिला ना तुहाडे कोल, कॉस 2 है, कॉस 4 है, कॉस 6 है, ठीक है जी। तो पहले वाली पार्ट दे विच तां कोई दिक्कत है नहीं जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा है आपां ने 6 और 4 चक लिया, ठीक है जी। हाँ जी, अगर 6 और 4 चक्या तो मतलब आ दोनों यूज़ हो गए, ठीक है, माड़ा देख लियो जी, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा 6 और 4 अगर यूज़ हो गए तो 1/2 ना मल्टीप्लाई करता 1/2, ठीक हो गया जी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यदा कॉस ए प्लस बी बनना है तो 10 बन गया, सही है। कॉस ए माइनस बी बनना है तो 2 बन गया, थोड़ी को ये भी कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं जी थोड़ी को, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा ये और 6 और 4 यूज़ हो गया, बाहर 2 बैठा सी, वाह ठीक है। उस तो बाद इसने अंदर मल्टीप्लाई हुई, इतने 2 ही आना सी, ठीक है, क्योंकि कई बार पेयरिंग नाल भी आंसर की रिप्रजेंटेशन चेंज हो जाती है, तो माड़ा एक बार चेक कर लिए, ठीक है। सो कॉस 10x आ गया, उन्ना कॉस 2x आ गया, उस तो बाद आ गया जिहड़ा कॉस ते कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है जी। ये वाली भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि आप 4, 6, 10 किया, तो 6 तो 4 घटाए तो अपने 2 किया, फिर 2 आ गया, चलो ठीक है जी। जो ठीक है तुहाडे कोल, तो उस तो बाद आपने क्या किया तुहाडे कोल, आह वाली चीज़ ठीक होगी, आह वाली चीज़ ठीक होगी। सो इत्थे फिर आपने 1/2 किया, इहदा 1/2 इहनूं मिल गया सी, ठीक है जी। तो उस तो बाद फिर आपने कॉस च ऐड करने 12, ठीक है जी, उत्थे 8, ठीक है जी, 1/4 इहनूं ही मिले, इहदा आह ठीक है जी। तो कॉस स्क्वायर सीगा तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2 होंगे तो 4 ही आऊगा, बिल्कुल ठीक है जी। सो ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं जी, आंसर आप दोबारा मिला लेंगे, कई बार बुक च गलत होता। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 1/4 आ गया जी कॉस 12, वो सारी चीज़ उतारन च कोई गलती नहीं, नहीं। फिर 1/4 साइन 12 आ गया जी थोड़े पास, उस तो बाद जिहड़ा हैगा है साइन 12/12 हो गया, तो 8 हो गया थोड़े कोल, 4 हो गया, तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रिंटिंग मिस्टेक, तो आह वाली चीज़ होगी जी, साडा क्वेश्चन फिनिश हो गया।
उस तो बाद असी आ गए तुहाडे कोल। इहदा मतलब हुण तुहानूं इक टाइप क्लीयर होगी बई जे तुहानूं दो दो तीन तीन अक्षर दित्ते होण तां तुसीं जिहड़ा हैगा उसनूं हटा के कर लेना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। इस तो बाद फिर एक एग्जाम्पल है उन्होंने थोड़ा जि ध्यान ना देखना, हजे मैं एक्सट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा फिर उसके फिर आप लवेंगे। साइन की पावर 3x है तो कॉस की पावर 3x है डी एक्स है, ये पूरी एक स्पैशल टाइप है, इन्हें तो सौखे ढंग ना हो जाना हैगा। तो ये ना जो तुम्हें साइन कट्टना है तो सिर्फ पुटिंग करने वेले एवें नहीं करना, तुम्हें कॉस में पुट कर देना साइन, तुसी सिर्फ ये पुट करन देखो वो सिंगल टी रेशो हो जिसनों पुट करना है तो जो डी एक्स ना हट जाए। तो जे मैं ना उरे साइन क्यूब लिखा, इतने मैं साइन कॉसकेयर है ना, कॉसकेयर वन माइनस साइन स्केयर एक्स कर लो, मतलब कॉस तीन है, इनू आप कॉसकेयर एक्स इंटू कॉस एक्स सोच सकते हैं। तो स्केयर ने आ देता इंटू कॉस एक्स होगी नाल डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जो तो सिंगल टी रेशो आ गई ना, सिंगल टी रेशो आ गई उस तो बाद क्वेश्चन आराम हो जाता। हूँ तुम साइन एक्स में टी पुट कर लो, साइन का की आ गया कॉस एक्स डी एक्स बराबर है डी टी। सो जे कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ गया तो हूँ यह आ गया टी क्यूब, तो इतने वन माइनस टी स्केयर तो डी टी, और मेरा ख्याल है टी क्यूब माइनस टी फाइव यदि इंटैग्रेशन कोई कैंडीडेट नहीं होगा जिसमें नहीं आएगी, टी सिक्स बाय सिक्स फाइव दी आ जाएगी, ठीक है, प्लस टी फोर बाय फोर आ जाएगी, प्लस सी टी दी टी नू वैल्यू वापस कर देना थोड़े को, ठीक है जी। सो ये थोड़ा क्वेश्चन हो गया, इतना का क्वेश्चन भी बुक विच थोड़ी हैगा, ये फिफ्थ क्वेश्चन है जी एनसीईआरटी का, ठीक है। सो आपने मतलब की है कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म से जाना ही जाना है, तरीका जेड़ा मर्जी होवे थोड़े को, ठीक है जी। सो ज़्यादातर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा कि तुहानू दिक्कत ना आवे, तुसी जस्ट प्रैक्टिस करनी है, और जिस तरह का ये साल चल रहा है पेपर सीधा एनसीईआरटी बेस्ड आ जाना है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण मान लो तुहाडे कोल साइन क्यूब है तो इत्थे 2x प्लस 1 आ गया, तो तुसी इहदी इंटैग्रेशन करनी हैगी। जे इहदी इंटैग्रेशन करनी है तुहाडे कोल तो हुण साइन क्यूब 2x तो तुसी कुछ नहीं करना हैगा, तुसी साइन 3 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो साइन 3 थीटा का फार्मूला होंगे जी थोड़े को 3 साइन थीटा, तो जोड़ा है तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन अल्टरनेटिव वे नाल भी करके दिखाऊंगा क्योंकि यह सोचने का तरीका ही होंगे एक थोड़े को, ठीक है जी। सो इस विच कोई दिक्कत नहीं कि फार्मूला होंगे तो फार्मूला होंगे तो 4 साइन क्यूब थीटा आप इधर ले आए तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन, ठीक है जी। इहदा मतलब ये हो गया कि तुसी साइन क्यूब हटाना होवे थीटे ही थां ते तुसी इस नू इंटैग्रेशन, मैं थोनू एक पहला भी कहा सी कि मे बी तुहाडा आंसर ना टैली करे क्योंकि आंसर ना टैली करे, इन्हें आपां कहिंदे कि आंसर दी रिप्रजेंटेशन साइन 3 थीटा मैंने 3 टाइम्स 2x प्लस 1, तो इहदी आपां इंटैग्रेशन आराम नाल कर सकते हैं 1/4, ठीक है, 3 साइन दी इंटैग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 1 नीचे डेरीवेटिव डिफरेंशियल कोफिशेंट, वो तो बाद साइन दी जिहड़ी हैगी है कॉस माइनस का बनना तो प्लस आजू 6x प्लस 3 आजू नीचे 6 आजू प्लस, ये तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये जिहड़ा हैगा ये अपना आंसर आ भी गया, तो इस आंसर च आपां नूं दिक्कत भी कोई नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक है। बट अगर मेरे पास यही क्वेश्चन होवे, ठीक है, तो मतलब मे बी थोड़ा टैली ना करे आंसर बुक दे विच थोड़े को, ठीक है, वह कारण मैं तुम्हें हमने दस देवा थोड़े को, ठीक है भी जोड़ा हैगा ये थोड़े को। अगर इस क्वेश्चन नू आपां इदां सोच लीए साइन क्यूब है ना, साइन क्यूब 2x प्लस 1 डी एक्स, तो इनू आप लिख लीए साइन स्केयर, तो साइन 2x प्लस 1 इदा लिख लिए कोई फर्क नहीं, इनू 1 माइनस कॉस स्केयर 2x प्लस 1 लिख लो साइन 2x प्लस 1, डेरीवेटिव का रिलेशनशिप होंगे ना, तो जो मैं कॉस 2x प्लस 1 नू टी पुट करा तो कॉस का माइनस साइन 2x प्लस 1 डी एक्स बराबर है डी टी,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ sin 2x plus 1 dx ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ dt ਟੀ ਸੋ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ dt ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 dt ਟੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀ ਕਿਊਬ ਬਾਈ 3 ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕੋਸ ਕਿਊਬ 2x plus 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ 2x plus 1 ਪਲੱਸ ਸੀ ਮੇ ਬੀ ਆਹ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਦੈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੇ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 4 ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਲੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 14 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ 14 ਵਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਾਂ 16 ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਇਹਦਾ 7.3 ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ 7.3 'ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਵਿਦ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵਿਦ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਸਭ ਰਗੜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A to Z ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਇਨ ਅਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਬੁੱਕਲੈਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੋਟਸ ਨੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਬੁੱਕਲੈਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਕਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 'ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਊਬ 2x ਸੀਕੈਂਟ 2x ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਊਬ 2x ਸੀਕੈਂਟ 2x ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਜੇ ਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ x ਟੈਂਜੈਂਟ x ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ 2x ਕਰ ਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ 2x ਕਰ ਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੈਂਟ 2x ਕਰ ਲਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ 2x ਕਰ ਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੀਕੈਂਟ 2x ਕਰ ਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ dx ਕਰ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸਕੇਅਰ 2x ਸੋਰੋ ਇਹਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ 2x ਮਾਈਨਸ 1 ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ 2x ਅਤੇ ਸੀਕੈਂਟ 2x dx ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਕੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਕੈਂਟ 2x ਨੂੰ ਟੀ ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ 2x ਟੈਂਜੈਂਟ 2x ਅਤੇ ਨਾਲ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਡੀ ਡੀ ਐਕਸ ਆਫ ਐਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਡੀ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਡੀ ਟੀ ਆ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ 2 ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਪੁਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਕੈਂਡ ਕਿਊਬ ਸੀਗਾ ਸੀਕੈਂਡ 2x ਸੀਗਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਊਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾਲ ਸੀਕੈਂਡ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ 1 ਪਲੱਸ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਕੈਂਡ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਕੈਂਡ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਟੈਨ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸੀਕੈਂਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕੈਂਡ ਐਕਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਸੀਕੈਂਡ ਐਕਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ ਡੀ ਐਕਸ ਨਾਲ ਡੀ ਟੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੈਂਟ 2x ਅਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ 2x
इहदी जिहड़ी वैल्यू आ गई वह डी टी बाय टू आ गई। सो डी टी बाय टू आ चीज़ बन गई तो आ गया, तो यह मतलब टी क्यूब बाय थ्री माइनस टी प्लस सी थोड़ा आंसर आ गया। अब टी क्यूब की होया थोड़े को जो तुम पुटिंग की थोड़ा टी क्यूब हो गया, ठीक है। टी तुम किसू पुट किया जी थोड़े को सिकेंड न, सिकेंड क्यूब बाय टू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इनू इतने पुट कर देना बस थोड़े को। हाँ जी ठीक हो गया जी, तो आप बड़े आराम ना पता लग गया जी थोड़े को भी थोड़ा क्वेश्चन जोड़ा हो गया ये किस तरह है, सेकंड की वैल्यू जरूर फिल कर देगा, ठीक हो गया जी। सो देखिए जी अगे क्वेश्चन थोड़े को। सो अगे आगे थोड़े पास अगे जोड़ा क्वेश्चन हैगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 16 है जी एनसीईआरटी का, वह भी बड़ा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पेपर के लिहाज में। सो टेन की पावर चार डी एक्स है जी, अगर चार टेन की पावर चार डी एक्स है तो ये बड़ा स्टैप ध्यान ना करना, तुम इन ना टेंजेंट द स्केयर एक्स कर लेना इंटू टेंजेंट द स्केयर एक्स कर लेना है। सो टेन स्केयर हो गया थोड़े को, इतने बन गया टेन स्केयर एक्स, टेंजेंट को लिख लिया सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन। हुण तुसी सिंपली देखना है भी केड़ी वैल्यू तुहाडी कट्टण विच हैल्प करती है या फिर तुहाडा इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाउंदी है। तो आप मल्टीप्लाई कर लिए, सीकेंड नूं पुट करांगे तो नहीं जाना, तो मल्टीप्लाई कर लो टेंजेंट स्केयर एक्स इंटू सीकेंड स्केयर एक्स माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स डी एक्स, इहदी इंटैग्रेशन अलग कर दो, इहदी इंटैग्रेशन अलग कर दो, टेन स्केयर एक्स सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स, ठीक है जी। सो इंटैग्रेशन अलग अलग हो गई, इंटैग्रेशन जो अलग अलग हो गई थोड़े को डेरीवेटिव आ पे, यदा मतलब यदि पावर रेज हो जाऊगी। हम तुम डायरेक्ट फार्मूला ला सकते हो किमें जी, तुम्हें दसिया कि अगर एफ एक्स की पावर एन होवे नाल उहदा डेरीवेटिव बैठा होवे, फार्मूले नहीं भुलने हैं, तो एफ एक्स की पावर एन प्लस वन नीचे एन प्लस वन हो जाता है। तो यह मतलब इतने तो बड़े आराम ना हो जाऊगा टेंजेंट क्यूब एक्स है ना, एक पावर रेज करनी है ओवर थ्री। हुण इहदा टेन स्केयर का आपां पता नहीं है, टेन स्केयर नूं फिर आपां सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन लिख लेंगे, तो जे इहदी सीकेंड दी की हुंदी है टेंजेंट एक्स हुंदी है, इहदा जिहड़ा हैगा प्लस एक्स हो जूगा, इत्थे टेंजेंट क्यूब एक्स बाय थ्री हो जूगा। सो ये थोड़ी क्वेश्चन नंबर थोड़े को 16 का सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। सो 16 नंबर क्वेश्चन के विच भी कोई दिक्कत नहीं हैगी, आपां ने क्वेश्चन कर लिया, दो चार क्वेश्चन ही तो छड़े जाएंगे, तो क्वेश्चन जिहड़े हैगे जिहड़े छड़े जाएंगे वो जरूर करके देख लेना तुहाडे कोल, ठीक है जी। 24 नंबर क्वेश्चन है जी एक तुहाडे कोल, दो क्वेश्चन होर करने हैं। 24 नंबर है ई दी पावर एक्स, बहुत एलीगेंट क्वेश्चन है जी, बट इहदा हिंट बहुत जबरदस्त मिल जाता, कई क्वेश्चन दा एंगल मैं थोनों कहा सी अगर एंगल च मल्टीपल सब मल्टीपल तो इलावा कुछ होया असी नहीं कर सकते इंटैग्रेशन, सो इहनूं ही पुट करना। प्रोडक्ट रूल लगेगा वन आ जूगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स आ जूगा डी एक्स आ जूगा डी टी आ जूगा। सो वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर है डी टी, एदा मतलब उपर तो डी टी ओ बन गया, नीचे भी बन गया सीकेंड स्केयर टी, सॉरी कॉस स्केयर टी, डी टी नीचे बन गया कॉस स्केयर टी, अब कॉस ने उत्ते जाके की बन जाना सीकेंड स्केयर टी, ठीक है जी। तो सीकेंड जिहड़ा हुंदा तुहाडे पास उहदा क्या हुंदा टेंजेंट टी प्लस की हो गया सी, ठीक है जी। सो यह साडा 24 नंबर क्वेश्चन हो गया जी, 24 तो बाद आपां 22 नंबर देखिए, 23 मैं पहली एक्सरसाइज से डिस्कस कर लिया सीगा, तो आपां 22 नंबर क्वेश्चन देखिए जी थोड़े को। सो 22 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडे कोल, ये बड़ा एलीगेंट क्वेश्चन है जिहनूं मैं कहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं होएगी। सो लास्ट है जी इहदे नाल एक्सरसाइज खत्म, अगले लैक्चर की होएगा, चौथी एक्सरसाइज से नहीं जावांगे, एक्सट्रा क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन फस्ट थ्री एक्सरसाइज या फिर तुहाडियां प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो वन ओवर कॉस एक्स माइनस ए नीचे जिहड़ा हैगा ए कॉस ही एक्स माइनस बी है, उरे कॉस लिखना रह गया कॉस एक्स माइनस बी। सो ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये स्पैशली डिजाइंड क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन लिए ख्याल रखना, इस क्वेश्चन नूं करन लई ना साइन बी माइनस ए नाल नीचों मल्टीप्लाई कर दें, कॉन्सटेंट ना कर सकते हैं जी, वेरीएबल नहीं बाहरों कर सकते। सो ए कॉस एक्स माइनस ए इंटू हैगा कॉस एक्स माइनस बी,
ਸੋਏ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੋਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਪਲੱਸ ਬੀ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਈਨ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ। ਸੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸਾਈਨ ਏ ਕੋਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਏ ਸਾਈਨ ਬੀ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ। ਸੋ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਗ ਆਫ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਲੋਗ ਆਫ ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ। ਆ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਵਟਾ ਸਾਈਨ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ। ਸੋ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਟਾ ਸਾਈਨ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਲੋਗ ਆਫ ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।